अपने बचपन में हर किसी ने रामायण तो जरूर देखी होगी और शायद रामायण में काम करने वाले कलाकारों के चेहरों से भी हर कोई भली भांति परिचित होगा। आज भी रामायण देखते वक्त पुरानी वाली रामायण के ही भगवान राम और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों के चेहरे ही जहन में आते हैं, लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि रामायण के उन चेहरों का क्या हुआ। शायद ही किसी ने उन्हें दोबारा देखने की कोशिश की होगी। अगर आप भी सालों बाद उन किरदारों को देखना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए रामायण की सीता की कुछ ऐसी फोटोज लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपको आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दें कि रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम अरुण गोविल है, जिन्होंने रामायण में भगवान का किरदार निभाते हुए करोड़ों लोगों को दिलों को जीत लिया था। लेकिन माँ सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया सालों बाद इतना बदल गई हैं कि उन्हें देखकर शायद ही आप यकीन करेंगे कि कभी वह अभिनेत्री जिन्होंने रामायण में माँ सीता बनकर लाखों लोगों की आंखों को नम किया था। आइए आज हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसी दिखती हैं रामायण की सीता। पर दोस्तों, देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आगे भी आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। आपको एक बात बता दें कि रामायण के बाद दीपिका चिखलिया को पर्दे पर ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके चलते उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन बसाते हुए फिल्मी जगत से दूरी बना ली थी। इसके बाद शायद ही दीपिका कभी कैमरे पर नजर आई, इसलिए उनके चेहरे को देखने की चाहत रखने वालों की लिस्ट भी लंबी हो चली गई। देखा जाए तो रामायण के किरदार निभाने वाले हर कलाकार अपने रोल में बिल्कुल फिट बैठते थे। शायद यही कारण है कि अपने दमदार रोल को लेकर ही भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को आज भी कई जगह पर भगवान माना जाता है। इसी के साथ आज भी कई जगह पर कहीं भगवान राम के किरदार वाली फोटो लगाकर लोग उनकी पूजा भी करते हैं।